नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। हमारे खास प्रोग्राम भैया दूज में आपका स्वागत है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली महापर्व के आखिरी दिन भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद ये दूसरा ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। क्या है इसे मनाने की परंपरा और कैसे मनाते हैं भैया दूज का त्योहार, अपने इस खास प्रोग्राम में आपको हर एक पहलू कारण से रूबरू कराएंगे। 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव के आखिरी चरण में देश भर में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। खुशियों के त्योहार दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को यमद्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। और इसका खास महत्व तब और बढ़ जाता है जब मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यमुना के विश्राम घाट पर यमुना मैया में डुबकी लगाते हैं। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भाई बहन अगर एक साथ यमुना मैया में यमद्वितीया के दिन अगर स्नान करते हैं और बहन अपने भाई को तिलक लगाती है, उसे भोज कराती है, तो घर में सुख समृद्धि आती है और भाई को लंबा जीवन यानी कि लंबी उम्र की दुआ मिलती है और यम से भी मुक्ति मिलती है। यम का जो भय होता है उससे भी मुक्ति यहाँ मिलती है। भैया दूज का त्योहार हो और जिक्र काना की नगरी मथुरा का ना हो, कैसे हो सकता है? दरअसल भैया दूज को लेकर मथुरा से कई कथा परंपराएं जुड़ी हुई हैं। द्वितीया का विशेष महत्व मथुरा वृंदावन में देखने को मिलता है और खास बात यम द्वितीया की मथुरा के विश्राम घाट से जुड़ी है, क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी विश्राम घाट पर यमुना मैया में भाई बहन एक साथ डुबकी लगाते हैं, यमुना में स्नान करते हैं और बहन अपने भाई को तिलक करती है, उसे भोज कराती है, तो उसे यम के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो घर में समृद्धि आती है और भाई को लंबा जीवन जो है, ये लंबी आयु की जो उसकी मनोकामना है वो पूरी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करती है और लंबी उम्र की कामना करती है। यही नहीं, इस दिन मथुरा में भाई बहन एक साथ यमुना में डुबकी लगाते हैं। भैया दूज यानी यम द्वितीय को लेकर क्या है मान्यता और क्या है परंपरा, इसको लेकर न्यूज स्टेट के संवाददाता वीरेंद्र दुबे ने यमुना मंदिर के सेवायत से खास बातचीत की और हर एक मान्यता की जानकारी ली। यमद्वितीया की पौराणिक कथा क्या है, यमद्वितीया का महत्व क्या है, ये जानने के लिए मंदिर के सेवायत यहाँ पर राघव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो विश्राम घाट से ही है। यमुना मैया हमारे नजदीक कलकल बह रही है और मंदिर में आप जिधर भी छटा देखेंगे आपको यमुना मैया और धर्मराज यमराज की किस्से कहानियां यहाँ पर दिखाई देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यमुना मैया के दर्शन करा देता हूँ। ये आप दर्शन कर लीजिए यमुना मैया के, एक सुंदर छटा यहाँ पर यमुना मैया की दिखाई दे रही है और यहीं पर ही जो श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, उसके बाद यहाँ एक दूसरे को यमुना मैया और धर्मराज से आशीर्वाद लेते हैं। तो पुरानी परंपरा है। सीधे पुजारी जी से बात कर लेते हैं। राघव जी, क्या कुछ महत्ता है, क्योंकि बहुत कुछ सुना हुआ है। यमुना मैया की जय। तो कथा कुछ इस अनुसार है कि धर्मराज हमारे, हमारी बहन, उनकी बहन यमुना जी की, उनके घर में पधारे तो यमुना जी ने खूब उनका आदर सत्कार, खूब बढ़िया उनको बढ़िया बिया बिरंगे व्यंजन उनको प्रसादी के रूप में खूब उनको कराया। यमुना जी खूब प्रसन्न हो गए, धर्मराज हमारे खूब प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी बहन से कि बहन तेरी जो इच्छा है हमसे आज हमसे मांग ले, जो तेरी इच्छा है, हालांकि तू तो कृष्ण भगवान की पटरानी है, तेरे पे क्या कमी होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूँ, धर्म का भाई हूँ, तो कृपया कर हमको आप कुछ भी मत लाए। तो यमुना जी ने ये कहा कि आप हमें ऐसा वरदान दें, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि इस दिन जो बहन भाई यहाँ पे यमुना जी के इस तीर्थ पे, यहाँ पे विश्राम घाट पे जो बहन भाई साथ में स्नान करेंगे, आपको तिलक लगाएंगे और जो है पूजन करेंगे, यहाँ पे आके भगवान का ध्यान करेंगे और इस विश्राम घाट पे, पावन विश्राम घाट पे जो साथ में यहाँ पे खड़े होके स्नान करेंगे, उनको आपके द्वार पे कभी आने का, कभी आपके मृत्यु लोक में आने का कभी अवसर न मिलेगा, वो सीधा जाएंगे गोलोक धाम में कृष्ण भगवान के चरण बिंदार में, तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, कृष्ण भगवान की सीधी, राधा कृष्ण के उनके चरणों को उनको सीधा जो है सीधी उनकी सदगति होगी और आपके दर पर वो कभी नहीं आएंगे, आपकी जो यातना होगी। तो तभी से उसी समय से ये विश्राम घाट प्रख्यात है, आप तो देख ही सकते हैं, वहां से लेकर तब से परंपरा चली आ रही है।
वहीं भाई बहन यमुना में स्नान के बाद विश्राम घाट स्थित यमुना और धर्मराज के मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना कहते हैं। पूरे भारत में यमुना और यमराज का ये इकलौता मंदिर है। भैया दूज के दिन यमुना में आस्था की डुबकी के बाद यहाँ दर्शन पूजा से ही व्रत त्योहार का समापन होता है। यमुनोत्रीय के पर्व पर आज हम आपको मथुरा वृंदावन के एक ऐसे मंदिर में ले चलते हैं जहाँ पर यमराज और यमुना मैया की यानी दोनों भाई बहन की एक साथ मूर्ति है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए कि मथुरा वृंदावन में वैसे तो हजारों लाखों मंदिर आपको गली गली मिल जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जो मथुरा वृंदावन में एक अलौकिक छटा के साथ साथ पुरानी परंपरा को यहाँ पर साबित करता हुआ नजर आता है। और यमुना के विश्राम घाट पर यह मंदिर बना हुआ है और यमराज जी का मंदिर ऐसे कहा जाता है, यमुना जी का मंदिर कहा जाता है। और सामने एक साथ आप तस्वीर देखेंगे, दोनों भाई बहन की जो तस्वीर है वो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेगी। और यमुनोत्रीय पर क्या कुछ विशेष महत्व रहता है वो भी हम लगातार आपको बताते चल रहे हैं। सीधे जो मंदिर की सेवायत है मैम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ जो क्योंकि आप बता रहे हैं कि मंदिर यहाँ पर मथुरा में ये पहला मंदिर है, तो क्या महत्व क्या कथा है इस बात की जिसके लिए? जी यहाँ पे मतलब प्राचीन काल में ये कहा जाता है कि यमुना जी ने अपने भाई को बुलाया है जो कि कार्तिक महीने में आए हैं, उसको ये दर्शाता है मंदिर की भाई दूज पे जब भाई आए हैं अपनी बहन के यहाँ तो उन्होंने यहाँ पे उनका आतिथ्य ग्रहण करने के बाद और सभी हमारी समस्याओं का समाधान उन्होंने अपने पास में यमुना स्वरूप वरदान के रूप में दिया है कि जो बहन भाई आते समय में जो कलयुग में धर्म संस्कार सब भ्रष्ट हो जाएंगे, जो आते समय में जब कलयुग होगा तो हम तरेंगे कैसे, अपने गुनाहों को कब कबूल करते हैं, ये ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे हम अपने अपराधों का भी समापन करते हैं मन द्वारा। और यहाँ भाई दूज का जो स्नान होता है वो यहीं पे किया जाता है और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भाई दूज पे भाई बहन का तीर्थ माना जाता है यमुना जी विश्राम घाट मथुरा का, कि यहाँ नहाकर आदमी अपने इनके दर्शन छवि का करता है। ये एक ही मंदिर है, इसमें कोई दूर है। मान्यता है कि वैसे तो भाई बहन का ये प्रतीक है ये मंदिर, लेकिन ये भी एक मान्यता है कि भाई बहन अगर एक साथ यमुना में नहाते हैं और बहन अपने भाई को तिलक करती है भोज कराती है तो यम से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल यम से मुक्ति मिलती है, यही तो वरदान है कि यमुना ने कहा है कि पुण्य करना सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है, पुण्य तो मेरे भाई को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं करनी भरनी इसमें सभी व्यक्ति इनकी प्रकोप से डरते हैं और डरते हैं तो वो उनको पनिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपसे कोई बुरा बोलता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो जो अगर देवता को कृत्य करना जरूरी है वो कृत्य आपको भी करना जरूरी है, क्योंकि मैं भी कृष्ण की पटरानी हूँ, सभी कुछ दे सकती हूँ पर तेरे न्याय से नहीं बचा सकती। तो हमें ये न्याय संगत जो देवता खड़े हैं जो यहाँ विश्व में एक हैं, यहाँ आकर अपना दर्शन हमेशा जरूर करना चाहिए। तीर्थ स्थल मंदिर है, मथुरा का एकमात्र तीर्थ स्थल मंदिर है। केवल विश्राम घाट ही नहीं बल्कि पूरी मथुरा नगरी में भैया दूज की छटा रौनक देखते ही बनती है। दूसरे और सेवायतों के साथ स्थानीय लोगों का भैया दूज को लेकर क्या कहना है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो मथुरा के विश्राम घाट पर मैं इस समय मौजूद हूँ और तमाम सेवायत और पुजारी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और इन्हीं से ही हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यमुनोत्रीय का महत्व क्या है। और खास तौर पर दीपावली के दूसरे दिन जब भाई दूज होता है जिसे यमुनोत्रीय का पर्व भी कहा जाता है, तो उस दिन इस दिन की खास विशेष महत्ता क्या कुछ होती है? सर सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, मैंने सुना है कि सर आप दुबई रहते थे और लगातार उसके बाद फिर आपने यमुना मैया की सेवा में यहाँ पर आप पहुँचे। 25 साल रहे दुबई हम, उसके बाद जो है 7 साल से यहीं पर हैं और ये बराबर में हमारा घर है, समझे। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये त्यौहार जो है भाई बीच का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। यहाँ यमुना जी धर्मराज दोनों ने स्नान किया है और यहाँ बहन ने भाई की टीका किया है, तो जो भी भाई हैं अपनी बहनों को लेके यहाँ आते हैं भाई दिवस के दिन और यहाँ स्नान करके यहीं टीका होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण घाट इसीलिए बोला जाता है कि भाई बीच। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ भगवान ने कल उसको मार के विश्राम किया है इसलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा है। देखिए यहाँ सीधे और भी लोग बोलो, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। भैया दूज का जो पर्व है भैया, वो बहन भैया का पर्व है। धर्मराज और यमुना जी सूर्य भगवान के पुत्र पुत्री हैं। जब बहन के घर भाई आए हैं तो बहन ने भाई का खातिर किया है, फिर बहन ने बोला है
भगवान आप राजी रहो, हमारे घर आते रहो। तो जो एक दिन आए हैं वो दिन यम द्वितीया का दिन है। जब भाई खा पी के चले तो बहन से कहते हैं कि बहन हमसे कुछ मांग ले। तो बहन कहती है भाई मैं कृष्ण की पटरानी हूँ, मेरे कोई कमी नहीं है, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। तो बोले कि मैं धर्मराज होके नहीं दूंगा तो अब कलयुग में तो सब भाई बहन को माल खा जाएंगे, इसलिए मर्यादा रखने के लिए मांग। तो कोई जे मैं मांगूंगी वो तुम देगे नहीं। कहीं नहीं बहन ऐसा नहीं हो सकता, मेरे से धर्म चलता है। तो बहन ने मांगा है कि जो मुझ में स्नान करे वो तेरे लोक को नहीं जाए। तो भाई ने समझाया कि बहन ये तो तूने बहुत ज़्यादा मांग लिया, मेरा लोक खाली हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। आप एक दिन मांग लीजिए, एक स्थान मांग लीजिए, कोई आज कौन सा दिन है, कहीं आज द्वितीया का दिन है भाई बीच का, तो आज का दिन जो भी विश्राम घाट पे मथुरापुरी में स्नान करेगा वो यम के लोक नहीं जाएगा। ये धर्मराज का वरदान है, इसीलिए सब आदमी अपनी बहनों को लेके आके और यमुना जी का स्नान करते हैं और बहन भाई के तिलक करती है, भाई बहन को दक्षिणा देते हैं, यही यम द्वितीया का पर्व है। उधर न्यूज स्टेट संवाददाता विनीत दुबे ने ब्रज यात्रा के दौरान नाव के जरिए कई घाटों का जायजा लिया। इस दौरान हर एक यमुना घाट का अपना अलग ही नजारा देखने को मिला। वहीं भाई दूज को लेकर ब्रजवासियों का उत्साह उमंग देखते ही बन रहा है। सभी अपने अपने अंदाज में इससे जुड़ी परंपरा को बयान कर रहे हैं। यम द्वितीया के पावन पर्व पर मैं इस समय मौजूद हूं मथुरा के विश्राम घाट पर, और यम द्वितीया का यहां पर विशेष महत्व होता है। यमुना मैया के इस समय बीच में मैं मौजूद हूं उनका आशीर्वाद लेते हुए, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूं उस विश्राम घाट की, जहां पर ये मान्यता है, ये परंपरा है और ऐसा कहा जाता है कि यहां पर भाई बहन अगर एक साथ स्नान करते हैं तो उनको स्वर्ग की इस समय कहते हैं अनुभूति होती है, यमलोक से मुक्ति उनको मिलती है और यमराज का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि के साथ साथ भाई की लंबी उम्र भी होती है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचकर यम द्वितीया के पावन पर्व पर यहाँ स्नान करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं यमराज का, धर्मराज का, इसके साथ साथ यमुना मैया का। हमारे साथ तमाम इस समय सेवायत भी मौजूद है, मथुरा के चौबे भी मौजूद हैं, और खास बात यह है कि सबसे दो दो लाइन सर सुनना चाहेंगे यमुना मैया के बारे में, और दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं आज के दिन क्या कुछ कहेंगे। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। यमुना जी का पद नित्य प्रत्येक मंगला में गाया जाने वाला है। प्रातः काल कहते हैं तिहारो दर्श मोहि भावे श्री यमुने, तिहारो दर्श मोहि भावे श्री गोकुल के निकट बहत हो लहरन की छविया, तिहारो दर्श मोहि भावे सुख करनी दुख हरणी श्री यमुने, जो जन प्रार्थनावे तिहारो दर्श मोहि भावे। यमुना मैया के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है और आशीर्वाद मिलते ही मिलता है। यमुना जी के स्नान से मुक्ति भी मिलती है और भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। संसार सागर से व्यक्ति यमुना स्नान करने से भव सागर से पार होता है। यमोपि भगिनी सुताम कथा महंत दुष्टानपि, यमराज की बहन है और शनिदेव की भी बहन है। तो यमुना जी भगवान कृष्ण की आठ पटरानियों में है। इनका नाम कलिंद्री है और कलिंद्रगिर मस्तक पर यमुना जी का भगवान कृष्ण के साथ गंधर्व विवाह हुआ था, तो इसलिए यमुना जी भगवान की पटरानी हैं। यमुना जी का बहुत महत्व वर्णन किया गया है क्योंकि यमुना स्नान से यम दूर भागता है और भगवान की शरण में प्राप्ति होती है, क्योंकि यमुना स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यमुना स्नान से सदगति होती है, इसलिए यमुना स्नान का बहुत महत्व कहा गया कि यमुना का पान
स्नान के बराबर होता है। ये कलिंद सुकुमारी हैं, कृष्णचंद की प्यारी हैं, कृष्ण रूप वारी हैं, तासो कृष्णा कहवाई हैं। ब्रिज रज में विचरण करें, ब्रिज रज विशेष करें, ये ब्रिज के बिहारी की ब्रजा सुहाई हैं। और यमुना जी को नाम ले तिने यमुन सितावे कभी, हमारी यमुना महारानी तासो जमुना मैया कहाई है। बोले जमुना मैया की आपका स्वागत। जमुना मैया की जय। कलमल हरनी बेदन मरनी बेद बमल यस गायो। जमुना मैया कृष्ण भगवान की साक्षात पटरानी और सात पुरियों में जो मथुरा सबसे प्रधान और ये मथुरा का विश्राम घाट, यहाँ धर्मराज यमुनाथ जी ने यमुना जी को वरदान दिए थे, जो कोई भी द्वितीया के दिन आप में स्नान करेगा वो हमारे यमलोक को नहीं आएगी। हमारे मथुरा के जो है कृष्ण की ये पटरानी है, सूर्य की ये पुत्री है, ये शनि भाई हैं, इनके धर्मराज भाई हैं। भगनी गृह भोजनम, धर्मराज यहाँ मथुरा में आए और मथुरा में आकर के यमुना जी ने भोजन कराया है। भोजन करा के यमुना जी से बोले हैं भाई वरदान मांग, तो वो बोले हैं जो मेरे में स्नान करे जम जुतिया को वो तेरी जमपुरी को न जाए। पर यहाँ पे जो है ये मथुरा हमारी कृष्ण की ये पटरानी है और ये आपके शत्रुधन की नगरी है। कृष्ण का अवतार तो बाद में हुआ है, कृष्ण की ये शत्रुधन की नगरी है। जाके सुमरण तेर पुन आशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जय जमुना मैया की जय। जमुना जी पे बहुत बड़ा महत्व है, जमजुतिया का भैया ये हर साल आता है और दुनिया भर के पाप इनको उतारने को आता है। समझने वाले समझते हैं, ना समझने वाले मूर्ख मूर्ख जो आते हैं वो समझते हैं पानी, मूर्ख जाने पानी। श्री यमुना जी हमारी केशव की पटरानी, ये धर्मराज की बहन है, छोटा भाई शनिचर है, पिताजी कौन है नारायण भगवान है, छाया कौन है मैया है जो दुनिया छाया में रहती है। जमुना जी जगत की मैया है, मैया के नाम हजार हैं, तुम्हारी भी मैया है, मेरी भी मैया है, दुनिया की मैया है, पर सबसे बड़ी मैया जमुना मैया है। यहाँ क्यों आते हैं, ये मुक्ति धाम है। मुर पे मुकट मोर, कानन किंडल लोल, कमल से नैना चकोर, श्री यमुना हर कामनी। भैया ये हर कामना सिद्ध करे, दुनिया भर के राजा रंग के सभा में कोई बेटा मांगे, कोई बेटी मांगे, कोई धन मांगे, कोई आयु मांगे, सब ये दिए। पहली लैन को अर्थ बताया है मैंने, नाशा राख लोल कुमकुम चित्र कपोल, माते है बिंदु गोल यमुना बरदायनी। इन्हीं की दया से दुनिया इधर मनाए हुए आवे, बेटा बेटी के विवाह, बेटा बेटी, फैक्ट्री कारखाने खेती सब इन्हीं की दया से हुए। बोल सच्चे दरबार की, नाशाब राख लोल कुमकुम चुत यमुना बरदायनी, अधरन पहला अलमा सुने नने कालमा, बेनंद सालमा यमुना शुभकारनी। इन्हीं की दया से घर में सुख प्रधान होता है, कहा दे लटके सुकेत राजत बदन राकेत, सेवत चतुर्वेद यमुना कलनाशनी। इन्हीं की दया से रोग दो शत्रु का नाश होता है, इन्हीं की दया से जीव प्राणी का उद्धार होता है। देखिए आप ढक, जमुना जी नहीं गई है, जमराज आया है यहाँ पर और जमराज आकर के बोला कि बहन मेरे से ना भाई, तेरे से मैं नहीं नहा सकती हूँ, तू झूठा है भाई, नहीं बहन ना नहाई है। तो बोला नहाते नहाते बहन हाथ बोली है, बहन भैया कुछ मांग, बहन कुछ मांग, मान की मेरे पास सब कुछ है, मेरा धनी कृष्ण है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, चारों बगल की मेरे पास महिमा है, भाई नहीं बहन कुछ मांग, भाई तू झूठा है, तू वचन देख करके अभी झूठ जाए बोल देगा, भाई नहीं बहन तू मांगेगी बोल दूंगा भाई। त्रिभाषा बस त्रिभाषा जब वचन भरवाई लिया तब बोलिए जमुना जी कि मेरे संग में जो नहा लेगा वो तेरे लोग को नहीं जाएगा। अरे मान के मेरा तो कबाड़ी हो जाएगा, मेरा तो सारा बंद हो जाएगा। तो माने की मैं तो पहले ही तो से जाना कि तू झूठा है लबरा है, तो मान की अब मान की क्या है तेरा, ये मैं तुमको कहती हूँ जो मेरे में नहा लेगा वो तेरे लोग को नहीं जाएगा। कि बहन ऐसा नहीं होएगा, जम ये जमलोत्री से आ रही हो इलाहाबाद जा रही है, जमलोत्री से इलाहाबाद तक जो जाएगा वो तो मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। मैंने तेरे को एक दिन दिया है केवल भैया दोष के दिन, अगर बहन और भाई हाथ पकड़ के वो नहा लेंगे वो मेरे लोग को नहीं जाएगा। वैसे तो हर रोज मथुरा नगरी में लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन भैया दूज का तो कहना ही क्या, यमुना स्नान के लिए आंकड़ा लाखों तक पहुंच जाता है, देश भर से लोग यहां यमुना स्नान के लिए जुटते हैं। बस महत्व ये है कि देखो जी जिनकी मान्यता है कि लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए, हमने तो ये भी सुना है कि दिवाली के बाद जहां भाई स्नान होता है जिनको यम द्वार देखना ही नहीं पड़ता, तो यहाँ के महत्व में यमुना मैया के दर्शन हो गए, इनकी कृपा है, सभी कृपा बनी रहे और कार्तिक स्नान का भी महत्व बनता है, इसलिए हर बंदा यमुना स्नान करने आए और यहाँ का आनंद ले मौज ले राधे राधे। जो भाई और बहन यहाँ पर विश्राम घाट पर आकर के भाई को टीका करते हैं जो है, तो उनको यम की यातना जो है वो नहीं भोगनी पड़ती है, ये यमराज जी ने वरदान दिया था
यमुना जी को जो है, बोलिए यमुना महारानी की जय। इसलिए हम लोग सब लोग जो है दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पर स्नान करने। जो है जो यमराज जी हैं वो यमुना मैया के भाई हैं और दोनों सूर्य देव के पुत्र और पुत्री हैं। और कहते हैं जो दोनों भाई बहन के जो यहाँ पर आकर मंदिर में भाई दूज के दिन का दर्शन करते हैं तो वो नरक नहीं जाते, वो नरक में नहीं जाते, यमुना जी में स्नान करते हैं मिलके और यम और यमराज के दोनों के इकट्ठे दर्शन करते हैं तो वो नरक में नहीं जाते, स्वर्ग में जा, स्वर्ग मिलता है। तो यहाँ का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। सारे कष्टों का हरण हो जाता है। हरे कृष्ण। विश्राम घाट वैसे तो मथुरा में बहुत मंदिर है। हाँ हाँ, पर विशेष महत्व है, विशेष महत्व है यहाँ पे। मेन बहुत अच्छा वो है जिस कष्ट को हम खत्म करके भगवत धाम को बधा रहे हैं। ये नहीं कि हम संसारिक कष्टों से ये मिल गया वो मिल गया, वो जो मिलना था वो हमने कष्ट दूर हो गया, धन मिल गया, पैसा, घर, पुत्र, वो कष्ट नहीं होते। मेन कष्ट है इन संसार की प्रताड़ना को जो हम झेलते रहते हैं, वो मेन कष्ट है। उन कष्टों से मुक्त होकर हमें धाम को प्राप्त करना है। भैया दूज 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव से जुड़ा आखिरी त्योहार है। भाई बहन के प्यार के रूप में जाना जाने वाला ये त्योहार अपने आप में बेहद खास है। हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए यमुना मैया के साथ धर्मराज से प्रार्थना करती है। जिम द्वितीया के दिन पर जिस दिन बहन यमुना मैया ने यमराज से जो वरदान मांगा था और उसके बाद से लेकर लगातार यहाँ देखा जा रहा है कि जिम द्वितीया के पर्व पर हजारों लाखों की संख्या में यहाँ भाई बहन आते हैं और यमुना मैया का आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और बहन अपने भाइयों को तिलक लगाकर उन्हें भोज कराती है। तो कुल मिलाकर आप भी अगर यम द्वितीया के पर्व पर यहाँ आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं तो आपको भी यहाँ सीधे मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। तोड़े से भी ना टूटे ये रिश्ता, भाई दूज पर और गहरा होता है ये रिश्ता, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सबसे प्यारा होता है भाई बहन का रिश्ता। सभी भाई बहन के बीच आपसी प्यार, आपसी विश्वास यूं ही बना रहे। इस खास प्रोग्राम में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।